बचपन में एक न एक बार तो हम सभी सोचते हैं कि काश हमारे पास भी कोई जादुई ताकत होती। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही खास लोगों पे है। कहानी की शुरुआत में हम यूरोप के सबसे छोटे देश इलीरिया के शाही खानदान की छोटी बेटी समंता को देखते हैं, जिसे राज परिवार में पैदा होने के बावजूद भी एक राजकुमारी की तरह नहीं रखा जाता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन एलेनोर को सभी चीजें एक बार बोलने पर मिल जाती। हालात बद से बदतर तो तब हो गए जब सैम के पिता, जो कि यहाँ के राजा भी थे, उनकी एक प्लेन हादसे में अपने भाई के साथ मौत हो गई। उनके मौत के बाद से ही सैम की माँ कैथरीन ने उस देश का राजपाट संभाला। और कुछ ही हफ्तों बाद जब एलेनोर 18 साल की हो जाएगी तो उसकी माँ के बाद उसे रानी बना दिया जाएगा। सैम को तो मानो उस परिवार का कभी हिस्सा ही ना माना गया हो। अपनी जिंदगी को एक आम आदमी की तरह जीते हुए वो किसी के साथ भी घूम सकती थी, जिनमें से एक लड़की का नाम माइक था। देश में तानाशाही के विरोध सैम और माइक ने रॉक म्यूजिक की एक परफॉर्मेंस की, जिससे वहाँ लोगों भीड़ के साथ पुलिस भी पहुंच गई। सैम ने अपने स्केटबोर्ड से पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर एक ट्रैफिक साइन से टक्कर होने की वजह से पुलिस ने उसे घर दबोचा। जब उसे वापस घर लाया गया तो उसने अपनी माँ को बताया कि देश के लोग सरकार से नाखुश हैं, पर कैथरीन ने तो इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। अगली सुबह स्कूल में वो रुखसाना से मिली, जो उसी की तरह एक शाही खानदान की दूसरी बेटी थी। वो एक शांत मिजाज की लड़की थी जो अक्सर अपने आप में ही खोई रहती। रुखसाना को लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से मशहूर भी थी। इसके बाद हमें एक हाई सिक्योरिटी जेल दिखाई दी जाती है, जहाँ पर 34 नंबर कैदी को अपने सेल में से एक कैपेसिटर मिला, जिसे उसने एक डिवाइस में लगाकर अपने गले में बंधा हुआ नेक कफ खोल दिया। ये करते ही उसकी सारी शक्तियाँ उसके पास वापस आ गई और वो उन्हीं शक्तियों से जेल का दरवाजा तोड़कर वहाँ से निकल गया। इधर सैम और माइक अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस में लगे थे। माइक ने सैम को एक कॉन्सर्ट में साथ चलने को कहा और वो भी मान गई। तभी वो एकदम हैरान रह गया जब सैम को उसके मुंह से गार्लिक नान की स्मेल आई, जो उसने 2 दिन पहले खाया था। उस रात एलेनोर के रानी बनने से पहले की पार्टी अटेंड करते वक्त सैम को याद आया कि उसने तो माइक के साथ एक पार्टी में जाने का वादा किया था। वो उसी वक्त अपनी माँ को झूठ बोलकर वहाँ से निकलकर एक क्लब में पहुँची, लेकिन दोनों के पास आईडी कार्ड ना होने की वजह से उन्हें क्लब के बाहर ही रोक दिया गया। तभी उन्होंने वहाँ काम कर रहे लोगों को पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हुए देखा और न जाने कैसे सैम ने दूर खड़े खड़े उस पासवर्ड का पता लगा लिया। ये सब देखकर माइक एक बार फिर से हैरान हो गया। पार्टी के बीच में ही सैम को आसपास की सभी आवाजें सुनाई देने लगी, यहाँ तक कि दिल की धड़कन से लेकर एक छोटे से कीड़े की भी। उसे एकदम से बेचैनी सी हुई और उसने फायर अलार्म बजा दिया, जिसकी वजह से पार्टी बंद हो गई और दोनों को पुलिस फिर से अरेस्ट कर ले गई। कुछ समय बाद दोनों के घर वालों को बुलाकर उन्हें छोड़ दिया गया। कैथरीन ने सैम को झूठ बोलने की सजा देने के लिए उसे गर्मियों की छुट्टी में भी स्कूल भेजने का फैसला किया। इधर 34 नंबर कैदी अपने पार्टनर को फोन करके उसके सेव वाले आइडिया की तारीफ करते हुए उसे बताता है कैथरीन ने ही उसे जेल में डाला था। वो अपने अगले कदम के इंतजार में था और साथ ही उसकी नजर सैम पर भी थी। अगले दिन स्कूल में उसे चैनवरी नाम की एक लड़की मिली, जिसने बताया कि उसके पिता और सैम के अंकल दोस्त थे। क्लास में मैट्री और टूमा और रुखसाना भी बैठे हुए थे। कुछ देर बाद प्रोफेसर जेम्स ने उन्हें बताया कि शाही खानदान के दूसरे बच्चे होने की वजह से उन सभी में बचपन से ही एक अनोखी शक्ति मौजूद है, जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं। और इस बार गर्मियों की छुट्टी के दौरान उन्हें सीक्रेट सोसाइटी के लिए तैयार किया जाएगा। अपनी माँ कैथरीन को इस सीक्रेट सोसाइटी प्रोग्राम के हेड के रूप में देखकर सैम हैरान हो गई। कैथरीन ने सभी को बताया ये सीक्रेट सोसाइटी राजा या रानी पर आने वाले सभी खतरों से लड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अगर उनमें से कोई भी इसका टेस्ट पास नहीं कर पाता तो उसकी याददाश्त मिटा दी जाएगी, ताकि उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में याद ही ना रहे। उनकी पहली ट्रेनिंग में उन्हें एक पिरामिड तक पहुँचना था, जबकि पूरे कमरे में लेजर हथियार थे। जैसे ही टूमा आगे बढ़ा, एक तरफ से उस पर हमला हो गया। धीरे धीरे सभी आगे बढ़ने लगे और अपनी शक्तियों के बारे में जानने लगे। रुखसाना के पास गायब होने की शक्ति थी, टूमा अपनी शक्तियों से लोगों को काबू कर सकता था, और इधर दूसरी तरफ सैम को बारीक से बारीक चीजें दिखाई और सुनाई देती थी, जिस वजह से वो बाकी सबके मुकाबले टेस्ट को बहुत तेजी से पार कर रही थी। पर सभी स्टूडेंट अपने पहले टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद जनवरी को पता चला कि उसके पास दूसरों को बस छू कर कुछ देर के लिए उनकी शक्तियाँ चुराने की ताकत थी, और मैटियो हीरो को अपने वश में कर सकता था। अगले दिन सभी को उनकी शक्तियों के हिसाब से उस पर काबू पाने के लिए एक्सरसाइज दी गई। सैम को एक स्पीकर से भरे कमरे में ले जाकर आवाजों को ध्यान से सुनने को कहा गया। टूमा को एक चार्ली नाम के कुत्ते को अपने काबू में लाने का टास्क दिया गया। मैटियो को कीड़ों को पूरी तरह अपने वश में लाने का काम मिला। उधर रुखसाना को बर्फ और बारिश में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। जनवरी को अपनी शक्तियों के दम पर एना की उसके पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता सीखनी थी। जेम्स ने बच्चों का टेस्ट लेने के लिए जानबूझकर सैम को जहरीला खाना पकड़ाया, जिसके बाद
जनवरी ने सैम को अपना सेब खाने को दिया। उसी रात माइक के पिता ने उसे सैम को फोन करते देखा और न जाने क्यों बिना बात ही सैम से दूर रहने को कहा। अगले दिन सैम अपनी माँ से मिलने पहुंची, जिन्होंने उसे एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर दिखाया। वहाँ बहुत सारी कीमती चीजें पड़ी थी, जिनमें से एक डीएनए बेस्ड नैनो डिवाइस था जो एक जैसे डीएनए वाले लोगों को टारगेट करता था। कैथरीन ने उसे अपने शक्तियों पर काबू लाने के कुछ तरीके बताए। इसके बाद रोक्सैना को छोड़कर सभी बच्चों ने अपने शक्तियों पर काबू पा लिया था। सिर्फ रोक्सैना ही आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसीलिए जेम्स ने उसे इतने बिखरे बालों में लाइव हो जाने की धमकी दी। और ये सुनते ही रोक्सैना ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद को गायब कर लिया। ये होती है लड़कियां, राजा रानी मारे जाए यादाश्त चले जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंस्टाग्राम पे गंदे बाल वाली फोटो नहीं जानी चाहिए। अब सभी स्टूडेंट अपनी शक्तियों को पूरी तरह से पहचानने लगे थे और ये देखकर जेम्स बहुत खुश था। उस रात सैम को माइक के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना था, पर तभी जेम्स ने सभी को उठाकर उन्हें अपने पहले मिशन पर चलने के ऑर्डर्स दिए, जो था एक अनमोल चीज को चोरी होने से बचाना। जगह पर पहुंचकर सैम ने अपनी शक्तियों से चोर का पता लगाया और फिर सबने उसका पीछा करके उसे धर दबोचा, पर असल में वो चोर नहीं बल्कि जनवरी की कोच थी। पर ये तो बस उनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। वो सभी अपने दूसरे मिशन में भी फेल हो गए और ये देखकर जेम्स बहुत नाराज हुआ और उसने अगले दिन की क्लास कैंसिल कर दी। सैम ने माइक से कॉन्सर्ट में ना आने के लिए माफी मांगी, पर वो उसे सच नहीं बता सकती थी कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। बेचारा माइक परेशान हो गया। अगले दिन छुट्टी होने की वजह से सबने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया और इसी बीच जनवरी और सैम में अच्छी दोस्ती हो गई। सैम ने तो उसे अपने घर भी बुलाया। दोनों सहेलियां चुपके से उसके घर में घुसकर स्टूडियो में गई, जहां सैम ने जनवरी को बताया कि उसके पिता उससे इतना प्यार करते थे कि उसके लिए उन्होंने पूरे टावर को स्टूडियो में बदल दिया। तभी वहां माइक भी आ गया और सैम को उसके बिना ही मजे करते देख वो नाराज होकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद कैदी नंबर 34 ने अचानक से उन सभी पर हमला कर दिया और वहां से भागने से पहले उसने सैम को स्नोफ्लेक कहकर पुकारा, जो सैम ने फट से पकड़ लिया क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उसे स्नोफ्लेक बुलाते थे। जेम्स ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन सैम उसकी बात ना सुनते हुए कैदी नंबर 34 के पीछे भागी और उसने उसे जंगल में ढूंढ लिया, जहां जेम्स सैम को बचाने की कोशिश में पूरी तरह जख्मी हो गया। उसने सैम को बताया कि वो ही उसका चाचा एडमिन है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ और बता पाता जनवरी वहां आ गई और चोरी की गई हुई शक्तियों से उसे एक जोरदार मुक्का दिया। वो सैम और प्रोफेसर जेम्स को वहां से ले गई, जिसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसे हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। कैथरीन को अब हार मानकर अपनी बेटी को सारा सच बताना ही पड़ा। उसने बताया कि एडमिन ने ही राजा बनने के लिए उसके पिता को मार दिया था और उसके इस गुनाह की वजह से कैथरीन ने उसे हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया गया था। सैम अपने चाचा से मिलने जेल पहुंची, जहां एडमिन ने उसे बताया कि दरअसल वो देश में तानाशाही पूरी तरह से खत्म करना चाहता था ताकि सभी लोग बराबरी से जी सके। उसे पहले तो लगा था कि उसका भाई राजा बनने के बाद कुछ बदलाव लेकर आएगा, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए उसने दिल पर पत्थर रख कर उसे मार दिया। इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन से मिली, जिसने उसे विश्वास दिलाया कि रानी बनने के बाद वो इस देश में बदलाव जरूर लाएगी। उसने अपनी बहन पर विश्वास कर लिया और बाकी सब भी एलेनोर के राज अभिषेक में उसके पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए तैयार हो गए। उस रात सैम हॉस्पिटल जाकर जेम्स से मिली और उसने जेम्स से माफी मांगी। राज अभिषेक वाले दिन दुनिया के सभी शाही खानदान वाले लोग वहाँ पहुँच गए। टूमा उस दिन अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी शक्तियाँ जनवरी ने चुरा ली थी और वो चुपके से अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने गार्ड्स को एडमिन को छोड़ने के ऑर्डर्स दिए और हमें पता चलता है कि एडमिन के साथ फोन पर कोई और नहीं बल्कि जनवरी ही थी। वो दोनों शुरुआत से ही मिले हुए थे। फिर उसने वापस जाकर अपने दोस्तों को अपना पीछा करने को कहा और उन्हें सेल में बंद कर दिया, लेकिन मैथ्यू ने अपनी एक मक्खी की मदद से सैम को सारी बात बता दी। सैम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एडमिन को ढूंढ लिया और उसका पीछा करने लगी। इधर रानी का राज अभिषेक शुरू हो चुका था और एडमिन ने वहां पहुंचकर एक नैनो डिवाइस फिट कर दिया जो उन सभी लोगों को खत्म कर देगा जिनमें भी शाही खानदान का खून है। सैम को पता चल चुका था कि जनवरी उसके पीछे आ रही है। वो भागकर माइक के घर गई और उससे मदद मांगी। पहले तो माइक ने मना कर दिया, लेकिन जब सैम ने उसे अपना सीक्रेट बताया तो वो मान गया। दोनों ने फिर साथ में पहले जनवरी को पकड़ा, जिसने मान लिया कि वो एडमिन का साथ इसलिए दे रही है ताकि वो राज कर सके। इसके बाद उन्होंने बाकी सबको छुड़ाकर एक साथ एडमिन के खिलाफ लड़ने का प्लान बनाया। एडमिन का मानना था कि शाही खानदान के खत्म होने के बाद ही लोगों को असली आजादी मिलेगी। सैम, टूना और रक्सोना उसका ध्यान भटका कर उसे एक कमरे में ले आए, जहां पहले से ही एक डिवाइस फिट था जिससे एडमिन की शक्तियां कमजोर पड़ गई। माइक ने तब तक नैनो डिवाइस को रीप्रोग्राम कर दिया, जिससे एडमिन उसके अंदर ही फंस गया। दूसरी तरफ राज अभिषेक बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया और अब एलेनोर ही देश की रानी है। सैम, रक्सोना, टूमा और मैथ्यू सीक्रेट
सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रोफेसर जेम्स के ठीक हो जाने के बाद कैथरीन ने नई रानी को सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बताया। रानी ने वादा किया कि इलीरा के लोगों को तानाशाही के साथ साथ एक सरकार बनाने का मौका भी दिया जाएगा ताकि सभी लोग पूरी आजादी से जी सके। अचानक सभी को खबर दी गई कि जनवरी जेल से भाग गई है और अब उन सबको मिलकर उसे पकड़ना होगा और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।